आई लव बीकानेर। कैमरा आपको दे दूँ? खतरनाक चीज बना रखी है ताकि इसमें से कोई अंदर आक्रमण करने ना पाए। ओ भाई डेजर्ट, ओ माय गॉड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा बदतमीजी करे तो उसे चपत लगाओ। राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, अगर मैं सब जगह कैमरा लेके शूट करके ये कर सकूं तो मेरा तो पूरा बजट ही डगमगा जाएगा। इसके लिए काफी फेमस है, यहाँ पे कोई कम संख्या में नहीं बल्कि 25,000 से भी ज्यादा चूहे होते हैं। ओ भाई रास्ते के बीच में रेगिस्तान कहाँ से आ गया? ओ मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ मैं हूँ राइडर नॉनी और मैं हूँ मेरी ऑल इंडिया राइड पे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने किस तरीके का गेटअप लेके मैं वीडियो में आ रखी हूँ। मैं हूँ अभी रामगढ़ के एक गांव में जो कि हनुमानगढ़ जिला है और राजस्थान में ये पूरी जगह पड़ती है, और मैं हूँ एक प्यारी सी आंटी के घर पे। आंटी हेलो कर दो। हेलो। तो ये आंटी है, और मैं यहाँ तक कैसे आई आपको उसके लिए मेरी इस सीरीज का पहला पार्ट देखना पड़ेगा। और अभी हम आंटी के वहाँ हैं, सुबह उठ के मैंने अपने सारे काम निपटा लिए, खाना खा लिया, नहा लिया, धो लिया और हुकुम को भी नहला दिया, और मेरा लगेज भी यहाँ पे सारा रेडी है। और क्योंकि आज मैं निकल रही थी, मैं यहाँ पे आंटी के वहाँ 2 दिन ऑलरेडी रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले यहाँ का जो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है ये सब पहन लेते हैं। और सबसे मजे की बात ये देखिए, ये आंटी से क्या बोलते हैं ये जो ऊपर बोरियो, तो ये जो बोरियो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे सर का ताज। तो यहाँ के राजस्थान की जो महिलाएं होती है उनके सुहाग की निशानी होती है, उनके पति का सम्मान होता है ना। और मैं इससे रिलेटेड एक और बात बताना चाहूंगी, जब मैं छोटी थी और कभी स्कूल में हम राजस्थानी फोक डांस करते थे तो हम इसकी जगह वो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी लगाते थे, क्योंकि हमें कुछ तो पता था कि सर में कुछ तो ऐसा नुकीला नुकीला सा होता है, हमें पता नहीं था। बट आज मुझे जीवन में पता चल रहा है कि ये बोरियो होता है और प्रॉपर एक गहना होता है, जैसे हमारे वहाँ पे मंगलसूत्र होता है ना, तो उसी तरीके का एक इम्पॉर्टेंट गहना होता है यहाँ की फीमेल के लिए। तो आंटी मैं कैसी लग रही हूँ ये बताओ? बहुत सुंदर लग रही। थैंक यू। और ये आंटी की ड्रेस है, जब आंटी इनका आई थिंक बच्चा हुआ था तो उस टाइम पे इनका कुछ रीति रिवाज होते होंगे, आपकी तब की ड्रेस है ये, और उस टाइम की ड्रेस मुझे फिट आ रही है देखो, तो आंटी का भी मेरी जितनी रही होगी। और मुझे इसको पहन के ना बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है, सोच रही हूँ ऐसे ही करके ही राइड करते करते चले जाऊं, बट राइडिंग जैकेट पहनना जरूरी है। तो अभी मैं कुछ वीडियो शूट वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये गेटअप ले रखा है ना बहुत ही कलरफुल सा प्यारा सा लग रहा है, तो कुछ शूट्स लेती हूँ और आपको उसके सिनेमेटिक शूट दिखाती हूँ। चलो तो भाई शूट वूट तो सब हो गया है, अब मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल निकलने के लिए। यहाँ पे अपनी गाड़ी हो रही है कोल्ड स्टार्ट, और भाई को चलो बाय बाय कर देते हैं, थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी। तो भी चलते हैं, लेकिन यार इतनी गर्मी हो गई है कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही ख़तरनाक गर्मी है यहाँ पे, दिन में मतलब धूप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी भी भोलेनाथ के नाम के साथ, हर हर महादेव। तो आज की जो अपनी डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी बीकानेर की तरफ, और बीकानेर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, और मुझे तो निकलते निकलते बहुत देर हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने शूट किया और बहुत सारी प्रिपरेशन थी, तो अभी समथिंग 2 बज गया होगा दिन का, और खाना वाना सब खा के मस्त करके निकल रही हूँ। बट ये थोड़ी धूप की टेंशन है, क्योंकि धूप से थोड़ा सा लो हो जाता है, और हुकुम भी पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, अभी तो अच्छे खासा सो रखा है। जो ये जगह है रामगढ़ गाँव है और हनुमानगढ़ ज़िला है, और राजस्थान का जो अपना ये क्षेत्र है लगभग हरियाणा का बॉर्डर ही है, तो अभी हम तो और आगे राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे राजस्थान का और ठेठ वाला कल्चर देखने को मिलेगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट यहाँ पे भी जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिले ना उनसे बहुत ही अच्छी मेरी जो वीडियो की कलेक्शन है वो बहुत प्यारी हुई, और ख़ुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारे थे। यहाँ से हम पकड़ लेते हैं अपना हाईवे, ये रहेगा मेन हाईवे। गॉड ऊँट गाड़ी, वाओ, मैंने अभी तो घोड़ा गाड़ी देखी और ऊँट गाड़ी भी दिख गई यहाँ पे। तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा बदतमीजी करे तो उसे चपत लगाओ, ये ट्रैक्टर वाले लोगों का कहना है। तो भैया बेटी को तो बचाओ बचाओ, लेकिन बेटे को भी थोड़ा निगरानी रखो, आपका बेटा कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है,
जो इस तरीके से कई बार लड़कियों के साथ दिक्कत होती है तो लड़कों के वजह से भी हो जाती है। निसा निसा नी, यहाँ पे भी भेड़ होते हैं क्या गर्मी में? ओ माय गॉड, अरे ये बड़ी भेड़, अरे ये बड़ी भेड़, भेड़ के बीच में बड़ी भेड़, नहीं नहीं गाय का बच्चा है, एक गाय के बछड़े ने स्कैम किया बकरियों के बीच में घुस के। तो अभी हमने यहाँ से ले लिया बाईपास मेन रास्ते को स्किप करते हुए ताकि थोड़ा भीड़ भाड़ से बच सके। और हुकुम तो बड़ी इज्जत के साथ बैठा हुआ है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे धूप में उसे परेशानी हो जाती है ना, फिर सोया हुआ है। मैंने उसका चेहरा देखा था, उसकी आंखों में नींद थी इसलिए सो रहा होगा आई थिंक। बट इस भाई का नंबर है 777, लेकिन उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है यार, रॉयल बंदा है, रॉयल VIP नंबर लेके हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये देखो इन्होंने भी नहीं पहना, ये तो कोमल है। आई थिंक यहाँ पे हेलमेट थोड़ा कम पहनते हैं गर्मी के कारण। ओ माय गॉड, इतनी तेज गर्मी है, इतनी तेज धूप है। अभी थोड़ी देर गाड़ी रोकी थी मैंने हुकुम को पानी वगैरह पिलाने के लिए, उसे घुमाने के लिए, पसीने से गर्मी से ऐसी हालत हो गई ना। और मैं छाया ढूंढ रही थी तो देख सकते हैं ना, दूर दूर तक छाया भी नहीं दिख रही है, मतलब छाया देख के रोकने के चक्कर में मैं इतना आगे आ गई, बट कहीं पे उस तरीके के पेड़ नहीं है जो प्रॉपर छाया दे। फिर थोड़ी सी झाड़ियों की छाया थी वहाँ पे रोका, और अभी मुँह पे पसीने से इतनी जलन मच रही है ना, जैसे नमकीन मुँह पे कुछ नमक लग रहा हो। ओ भाई रास्ते के बीच में रेगिस्तान कहाँ से आ गया? ओ वहाँ पे तो ऊँट भी बैठा है, उतर की फिसल रही है। ओ भाई स्प्लेंडर वाले तो उड़ते उड़ते जा रहे हैं, बट ये गाड़ी, मम्मी भैया डिसबैलेंस हो जा रही है, उतरी की ओ ओ ओ स्केट कर रही है यार मम्मी, शिट ओ माय गॉड, बहुत फिसल रही है यार गाड़ी। ओहो ओहो शिट भाई, एक तो मुझे डर लग रही है, मैंने रेते में कभी चलाई नहीं है और हमारे वहाँ तो रेते में फिसलती है जनरली। भैया रोड में कहाँ से आ गया डेजर्ट? ओ भाई और स्प्लेंडर वाले तो उड़ते उड़ते जा रहे हैं, और कल भी वो भाई उड़ा उड़ा जा रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेत में मुझे शूं करके भगा के ले जानी चाहिए स्लो स्लो, क्योंकि स्लिप काफ़ी हो रही है, या तो वो निकल जाएगी अचानक से। ओ माय गॉड, पानी गिरा हुआ है, पानी का तालाब छोटा छोटा, वो देखो पता नहीं कैमरे में दिखेगा नहीं दिखेगा, और पास जा रहे तो गायब हो जा रहा है, कभी लग रहा है वो देखो ऐसा लग रहा है रास्ते में पानी गिरा हुआ है या तो किसी चीज़ की शेड है, और अचानक से स्कैम हो जा रहा है साथ में। तो एक स्टोरी तो मैंने सुनी है कि राजस्थान में प्यासे को पानी दिखाई देता है हर जगह। ओ भाई डेजर्ट, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे प्रॉपर डेजर्ट दिखने को मिला है देखो, और वहाँ पे लोग चारपाई लगा के बैठे थे, पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में बैठे हैं यार। तो डेजर्ट के नाम पे प्रॉपर मैं ले जाऊंगी आप सभी को जैसलमेर, और जैसलमेर में पहले भी गई हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो अभी बहुत लंबा रास्ता ऐसा आया था कि कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, गाँव गाँव दूर तक कुछ भी नहीं, और यहाँ से मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, तो यहाँ से फ्यूल बढ़ाने जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे दिख गया है पेट्रोल पंप। और मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी कि तेल नहीं मिलेगा तो यहाँ पे तो धक्के भी नहीं लगा सकते इतने दूर दूर तक इतनी गर्मी में। वेल फाइनली ये देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। रास्ते में नहीं लगा, ओ भाई इधर आगे लड़ते लड़ते और ऐसे करके ऐसे मार रहे भाई। और एक चीज दिखाऊं, ये देखो अयो हेलीकॉप्टर, इस बेचारे की मृत्यु हो गई मेरी गाड़ी से टकरा के। ओ शिट यार, अरे उड़ गया पता नहीं क्या हो गया। तो बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया था, आधे पौन घंटे का लगभग, उसमें मैंने तो थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, और मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दी अपनी डेली व्लॉग की, बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रही थी, YouTube पे भी डाल दी, Instagram पे भी डाल दी, और Facebook में भी डाल दी है। तो आप जहाँ पे भी देख रहे हैं बाकी जगह पे ज़रूर देखिए,
और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये क्या कर रहे हैं सर से सर मिला के वार्तालाप? टापू, ये कैसा टीला है मिट्टी का भाई, और इस रेते में पेड़ पौधे कैसे लग जाते हैं ये समझ नहीं आता। यहाँ पे है रेलवे क्रॉसिंग और जो रोड है ना, लंबे लंबे रास्ते, यहाँ पे माउंटेन्स की तुलना में राइड करना काफी इजी है। और अपने कैमरामैन अपने आप को शूट करते हुए, तो वेरी वेरी बिग क्रेडिट गोज टू माय कैमरा पर्सन, माय एडिटर, जो हमारे इस राइड में इस प्यारी प्यारी वीडियोस को शूट करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज सोलो राइड तो चल रही है, उनके होने से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। थैंक यू सो मच। ओ भाई, तो प्रॉपर सनसेट हो रहा है और वो देखो, वाओ कितना खूबसूरत है। ऐसा मैंने अभी तक सिर्फ फोटोज व्यूज सीनरी वगैरह में देखा है, लाइव फ्लैट एरिया में वो प्यारा सा सूरज अपना पहली बार में देख रही हूँ। कितना सही लग रहा है यार, ऑरेंज का एक घुला, आए हाय, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बीच में आई थिंक कोई लेक या झील कुछ तो है भाई। तो रात तो काफ़ी हो गई है, लेकिन ये जो जानवर यहाँ पर रास्ते में टहल रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी जगहों में, ये राजस्थान की जो रोड है या इस तरह की और भी जगह हो सकती है, जब भी आप राइड करते हो तो ज़रा इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ये लोग बिल्कुल अंधाधुंध रास्ते में वॉक कर रहे हैं मेन हाईवे में, और कई सारे ऐसे पशु और छोटे छोटे जीव जानवर मुझे रास्ते में एक्सीडेंट हुए दिखे थे। तो इसका मतलब है कि रास्ता तो चलता फिरता है, जानवर भी काफ़ी चल रहे हैं, इनसे आपको खुद का भी बचाव करने की ज़रूरत है और इनको भी बचाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सावधानी से चलिए, जो भी कोई इस तरीके के हाईवे में राइड करता है, ड्राइव करता है, तो विशेष ध्यान रखिए। काफ़ी भीड़ है मार्केट में, शाम के टाइम तो वैसे जनरली हर जगह ही भीड़ होती है। तो अपना रूम मिल गया है, ये है। तो अभी रूम मिल गया है और सस्ता सा रूम मिला है, क्योंकि यहाँ कोई जान पहचान नहीं थी और सिटी एरिया है। तो अभी जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ यहाँ के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रूम में पहुँच गए, और अगर अपना रूम दिखाना हो तो ये है मेरा रूम, जिसकी कॉस्ट पड़ी है मात्र 500 रुपये। तू कहाँ जाने के चक्कर में भाई, जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, कहीं नहीं जाना, अभी कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो अभी काफ़ी भूख लग गई है, मैं सोच रही हूँ पहले बाहर जाके कुछ खा पी के आ जाती हूँ, उसके बाद हुकुम बार-बार परेशान कर रहा है, तो उसके बाद वापस आके अपना वीडियो का काम करूँगी, और जो यहाँ की लोकल जगह है ना वो तो कल ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रात हो गई है। तो रे 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 बाबा, तो अभी निकल चुके अपने स्टे लोकेशन से। तो वीडियो में लाइटिंग की वजह से मैं दिखा नहीं सकती थी प्रॉपर, अभी पूरा उजाला है, तो जाके सबसे पहले हम फोर्ट को ही देखेंगे। और अभी तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो मैं सोच तो रही हूँ लस्सी पी लूँ, क्योंकि लस्सी यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिली थी मुझे। तो अगर कुछ अच्छी चीज़ होगी, स्पेशल चीज़ होगी, मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करने वाली हूँ कि क्या बेहतरीन मुझे यहाँ पे खाने को मिलने वाला है। और यहाँ के जो लोग हैं ना, काफ़ी मुझे सीधे सीधे से लग रहे हैं बच्चे, मतलब जब देखते हैं ना बहुत अच्छा रिएक्शन देते हैं, ऐसा लगता है वो रेयर ये सब चीज़ देखने को मिलती है। आगे भी देखो, प्यारे बच्चे का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो मे बी राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये कॉमन प्लेस नहीं है। बहुत देर से नोटिस कर रहा था, मैंने कहा चलो हाय बोल दे। तो वो देखो सामने, वाओ, एक बुलंद दरवाज़ा है बहुत बड़ा सा, और कितनी अच्छी इसमें ड्राइंग की गई है, कितना अच्छे से बनाया है, वाओ यार, लाल पत्थर से, सो ब्यूटीफुल। तो क्या हम इस दरवाजे के बीच में से गुजरने वाले हैं? वैसे इस जगह को देख के मुझे जयपुर की याद आ गई है, इस तरीके का दरवाज़ा मैंने जयपुर में भी देखा था। ओए होए होए होए, चलो भाई। मैं पहुंच गई हूँ मैं फोर्ट के बाहर, और यहीं पे अपनी बाइक पार्क कर दी है, पार्किंग ज़्यादा दूर नहीं है, फोर्ट के बाहर ही है। और यहाँ से देखिए, ये है किले का आउटसाइड का नज़ारा, और यहाँ पे ही बजा रहे हैं प्यारा सा म्यूज़िक, वाओ। से एंट्री होने के बाद एक यहाँ पे एक और बड़ा दरवाज़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको, देखो किस तरीके से बनाया गया है, ये खतरनाक चीज़ बना रखी है, ताकि इसमें से कोई अंदर आक्रमण करने ना पाए। तो अभी यहाँ से अंदर चलते हैं, क्योंकि किला तो बहुत बड़ा है। इस तरीके का किला मैंने एक पहले देखा है, तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे लगता है मुझे जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर करनी चाहिए। और
ये कितनी अच्छी अच्छी बालकनी है, इस तरीके की चीज़ें देखिए ना अक्सर मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि उस तरीके के लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, तो बड़ा एक माइंड में एक पिक्चर बनती है। तो अभी किले में एंट्री तो कर ली, लेकिन मैंने आपको किले का नाम बताया ही नहीं। तो इस किले का नाम है जूनागढ़ फोर्ट, और यहाँ पे इसकी डिटेल भी है। तो राव बिकाजी है जो कि जोधा जी के बेटे हैं, उन्होंने ये किला बनाया है, और 1488 का ये किला है, और यहाँ से इसकी एंट्री स्टार्ट होती है और यहीं से हमें टिकट्स मिलेंगे। तो यहाँ से मेरे पीछे का है किले का ओवरऑल व्यू, और इस तरफ से है किले की एंट्री और वहाँ से किले का एग्जिट है। तो अभी किला तो मैं विजिट करके आ चुकी हूँ, बट मैंने वहाँ के कोई भी क्लिप शूट नहीं की, क्योंकि किले में कैमरे के साथ एंट्री के ही 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस है। और मैं सोच रही हूँ राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, अगर मैं सब जगह कैमरा लेके शूट करके ये कर सकूँ तो मेरा तो पूरा बजट ही डगमगा जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरी जो राइड है बहुत ही मैं लो बजट राइड करती हूँ, बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसा खर्च कर पाती हूँ, क्योंकि अभी तो पूरा देश घूमना बाकी है, 30,000 किलोमीटर की राइड करना बाकी है। तो इसीलिए मैं ये फिलहाल तो कर नहीं पा रही हूँ, और मन तो बहुत था कि आप लोगों को भी मैं अपने कैमरे के जरिए अपने प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें दिखाऊं, बट क्या करें अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक बार मैं फिर से आपको पूरा कैमरे का यहाँ से वहाँ तक का व्यू दिखा देती हूँ। और इसके साथ आप लोग जब भी आओगे तो देखो कैमरे के चार्जेस और एंट्री चार्जेस और हेलमेट चार्जेस सारे इंतज़ाम करके आइएगा, अच्छा खासा बैकअप लेके आना। मैं भी इन फ्यूचर कभी बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो वापस आऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जगह भी देखते हैं कि बीकानेर में और क्या क्या खास है। आई लव बीकानेर। तो अभी मैं जा रही हूँ करणी माता मंदिर, और करणी माता मंदिर बहुत ही फेमस एक मंदिर है, जहाँ की कुछ चूहों से रिलेटेड कुछ कहानी है जो मैं अभी आपको मंदिर जाके ही बताऊँगी। पहुंच गई हूँ करणी माता के मंदिर, और देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है इस टाइम पे भी। तो अभी अंदर जाके मैं देखती हूँ, अगर वहाँ पे कैमरा या शूट करना अलाउड होगा तो मैं आप लोगों को वहाँ के सीन ज़रूर दिखाऊंगी। और जैसा कि ये मंदिर चूहों के लिए काफ़ी फेमस है, मतलब यहाँ बहुत सारे नंबर में चूहे मिलते हैं, तो उनके लिए मैंने ये प्रसाद ले लिया। आ गई हूँ मंदिर के अंदर, और जो ये मंदिर है जैसा कि मैंने बताया था करणी माता का मंदिर है, और यहाँ पे जो इनके चूहे हैं इसके लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे कोई कम संख्या में नहीं बल्कि 25,000 से भी ज़्यादा चूहे होते हैं, और स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे इन चूहों की पूजा होती है। तो एक कहानी के अनुसार इनको यहाँ के लोग कावा बोलते हैं, और इनकी काफ़ी अपनी में मान्यता है। और इससे भी स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे चूहों की वजह से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, जैसे प्लेग वगैरह नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ पे चूहों के लिए प्रसाद लाई हूँ, तो इनको प्रसाद देते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। भाई इन चूहों के लिए तो लोगों ने किशमिश बादाम बहुत सारी चीज़ें चढ़ा रखी है, मैं तो इनके लिए चने लाई हूँ। ये लो मेरा प्रसाद खा लो। ओह माय गॉड, ये चूहे बहुत सुंदर है यार पास से। ये लो, तो लोगों की आस्था का भी एक अलग सा नमूना है यहाँ पे। मतलब चूहे आपने कहीं नहीं सुने होंगे कि चूहों की पूजा होती है, या इतने करीब से चूहे देखने को अक्सर नहीं मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पेशल मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं विश करती हूँ कि माता रानी आप सभी को भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। है कैमरा आपको दे दूँ? क्यों, क्या करोगे? अच्छा है, पर फिर मैं क्या करूँगी? हाँ ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है, क्या? मैं दोबारा नहीं ले पाऊंगी। क्या दीदी? कैमरा ये वाला कितने का दीदी? ये है 20 रुपये का। कौन सा? ये वाला मैं दे दूंगा आपको। दो दोगे? लाओ 20 रुपये दो, पहले खोलो। नहीं पहले 20 रुपये एडवांस दो। ये लो। ओ बहन के पास 20 रुपये, मेरे पास